क्या आप जानते हैं उल्लू इंसान से क्यों नफरत करता है? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम की रात उल्लू इमाम हुसैन के पास आया और कहने लगा, ऐ नवासे रसूल, हमारे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो होने वाला है वो तुम नहीं देख सकोगे। मगर उल्लू के बार बार इसरार करने की वजह से इमाम हुसैन ने उसे रुकने की इजाज़त दे दी और उल्लू एक दरख्त पर बैठ कर सारा वाकया देखता रहा और रोता रहा। जब उल्लू ने नन्हे असगर पर तीर चलते देखा, अहले बैत पर जुल्म होते हुए देखा, इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा देखा, यजीद के लश्कर का बे इंतहा जुल्मो सितम करते हुए देखा, तो उल्लू को इंसानों से नफरत हो गई और उसने अपना ठिकाना वीरान जगहों को बना लिया। और उल्लू कोई मनहूस परिंदा नहीं है, बल्कि उल्लू हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद से बे इंतहा मोहब्बत करता है।